गाइस आज 8:30 मेरा पूरा हो गया है और आज साइन ऑफ है, तो अब अभी निकल रहे हैं हम थोड़ी देर में। और काफ़ी दिन हो गए थे मैंने वीडियोस नहीं बनाई थी, तो टाइम नहीं मिल रहा था इस शिप पे और नेट भी थोड़ा कम था। और अभी हम निकलेंगे थोड़ी देर में, तो मैं दिखाता हूँ। अभी हम लोग कोरिया में योसू में और यहाँ से दिल्ली तक की फ़्लाइट है, तो मेरे को अभी निकलना है। अभी डिलीवर सार है तो थोड़ी देर में हम निकलेंगे, उसके बाद सवाल कर बताता हूँ। अभी हम लोग निकल रहे हैं कोरिया से, और एक्चुअली हम लोग अभी एंकर पे थे कोरिया में, और यहाँ से साइन ऑफ था 16% का। तो अभी हम लोग गैंगवे से नीचे उतरेंगे थोड़ी देर में, और बाकी तो दिन अच्छे कटे और टाइम अच्छा कट गया और काफ़ी टाइम हो गया था। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं, थोड़ी देर में हम बोट आएगी और वहाँ से हम कास्ट ऑफ हो जाएंगे। गाइस हम कोरिया में आ चुके हैं और ये हमारे साथ दो गोलू और एक मोलू बैग रख रहे हैं। अभी कौन सी गाड़ी है ये? टाटा नैनो? नहीं, हम कोरिया से अब जा रहे हैं होटल के लिए, देख सकते हैं। हाँ तो भाई, एक लंबे सफ़र के बाद हम होटल पहुंच गए, और एक घंटे का रास्ता रहता है आप कोरिया पोर्ट से योसू से होटल के लिए। और यहाँ से हमें एक दिन का होटल से था, और यहाँ से हम फिर अगले दिन फ्लाइट के लिए गए थे। तो आज हम यहीं रुकेंगे होटल में, और इसके बाद अभी हम बाहर जाएंगे थोड़ा घूमने। योसू, ये योसू सिटी है कोरिया की पड़ती, तो अभी हम लोग होटल ही ले जा रहे हैं और बैगेज ऊपर ले जाएंगे। गाइस गाइस हम लोग आ चुके हैं होटल। साउथ कोरिया के इस होटल में रुके हुए हैं, और ये मन्ना भाई चीफ कुक, ये अपना लाल जी। यस
ये अपना भाई करण, करण ने सारे पैसे एक्सचेंज करा लिए हैं और हम जा रहे हैं अब दूर। ये देखो अली भाई यार, करण भैया आगे आगे चलते हुए बुढ़िया पब्लिक ऐसे सिगरेट पी रही है, हमको अलाव नहीं दे और झप्प करके देख सकते हो। अभी चड्डा की बहनें आ गई हैं ढेर सारी। ये मेरी बहन है अली भैया की, चलने वाली है। नहीं नहीं हमारी नहीं चल रही भैया, हम अभी कोरिया की लोकेशन पे चल रहे हैं। अली भैया, मन्ना भाई और करण आगे आगे चल रहे हैं। आगे अली भैया चल रहे और पीछे पीछे हम भी आ रहे हैं। हेलो गाइस, मेरे पास हाँ तो गाइस अभी हम लोग होटल में, और मैं कल आया था शिप से साइन ऑफ करके, तो आज मेरी फ्लाइट है कोरिया से, यहाँ से लोकल है, फिर वहाँ से हांगकांग, हांगकांग से दिल्ली। सो अभी आज पूरा दिन ट्रैवलिंग करना है, और काफ़ी दिन हो गए थे मैं वीडियो नहीं डाल रहा था, तो अभी काफ़ी दिन बाद मैं बना रहा हूँ वीडियो। तो वही था, 8 महीने पूरे हो गए थे और अभी उतर गया मैं, 8.5 महीने पर उतर गया। कि जो भी है वो बाद में बताता हूँ, अभी बस निकलना है थोड़ी देर में, अभी एजेंट आएगा तो यहाँ से हमको ट्रैवल करना है। 10 मिनट की वो है डेस्टिनेशन है, फिर एयरपोर्ट, फिर यहाँ से लोकल सियोल, सियोल टू हांगकांग, हांगकांग टू दिल्ली, फिर दिल्ली टू मेरे डोमेस्टिक। तो यही है सीन, जो भी होगा आगे बताता हूँ, और बाकी सब सही है, जो भी होगा कमेंट करना, और चलते हैं फिर। चलो फिर एयरपोर्ट से, अब डोमेस्टिक फ्लाइट पकड़ लें, लोकल डोमेस्टिक साउथ कोरिया का योसू एयरपोर्ट। हम लोग एयरपोर्ट से निकलते हुए भी तो गाइस अब हम फ्लाई करने जा रहे हैं, और थोड़ी देर में हम फ्लाई कर जाएंगे सियोल के लिए। गाइस हम लोग अब आ चुके हैं इंचीन एयरपोर्ट, देख सकते हो, अब यहाँ से हम अपनी फ्लाइट पकड़ेंगे। अभी हम लोग उतर गए हैं गाइस इंचीन एयरपोर्ट, यहाँ से फ्लाइट है। ये चाहिए क्या?
गाइस अभी इन लोग एयरपोर्ट में आ रहे हैं। कैमरा तो नहीं चल रहा? चल रहा गाइस, हम लोग अभी बोर्डिंग कर रहे हैं। भाई जब हम लोग जा रहे हैं हाँ, तो गाइस अभी हम लोग फ्लाइट में बोर्डिंग के लिए जा रहे हैं और टाइम हो गया था, और यहाँ से फिर हम हांगकॉन्ग के लिए निकल जाएंगे। तो अभी हम चार लोग थे, तो अभी हम लोग निकल रहे हैं। हाँ तो गाइस अभी हम लोग फ्लाई करके हांगकॉन्ग के लिए, और यहाँ से 3.5 to 4 hours लगता है हांगकॉन्ग का। तो अभी हम यहाँ से फ्लाई कर गए। गाइस हम लोग हांगकांग पहुंच चुके हैं और अब हम जा रहे हैं एयरपोर्ट पे। एयरपोर्ट पे ही है ना, एयरपोर्ट पे बस अड्डे पे जा रहे हैं। बस अड्डे पे वहां से लेंगे हम ऑटो, अब एक और फ्लाइट पकड़। गाइस अभी हम लोग एयरपोर्ट पे आ गए हैं और अभी जस्ट फ्लाइट पकड़ने वाले हैं दिल्ली के लिए। तो यहां से दिल्ली की 5 घंटे की फ्लाइट है और हम जा रहे हैं चार लोग, तो यहां से फ्लाइट है। गाइस अब हम लोग दिल्ली की फ्लाइट पे जा रहे हैं, मैं करण और दो और। हाँ तो गाइस अभी हम लोग फ्लाई कर गए हैं हांगकांग से दिल्ली के लिए। तो यहाँ से 5.5 hours की फ्लाइट है दिल्ली की। तो गाइस ये मेरी लास्ट फ्लाइट थी जो कि मेरे होम टाउन तक जाएगी, दिल्ली टू प्रयागराज, और यहाँ से ऑलमोस्ट 1 hour का डेस्टिनेशन है मेरे होम टाउन तक। तो यहाँ से मेरी लास्ट फ्लाइट थी और इसके बाद मैं सीधा फ्लाई कर जाता हूँ घर के लिए। निकला था 5 को पहुँचा और एयरपोर्ट है अभी प्रयागराज का ये पीछे। बस अब यहाँ से बाहर निकल जाऊँगा, एग्जिट है, फिर चलो बाद में कभी मिलते हैं। चलो फिर बाय।